हाय गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ये है इवू अपने डैडी के साथ में और यहाँ पे बूफे सिस्टम है और डैडी को पीछे से दिखाई दे। तो गाइस, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और आज डैडीज ऑन ड्यूटी हैं, थोड़ा सा ममाज को भी टाइम मिल रहा है और ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। तो गाइस, ये इवू देख रहा है वंश को और वंशु देख रहा है इवान को। तो गाइस, ये है इवान का पूल वाला लुक, अभी जाने वाला है। इवान को मैंने रेडी कर दिया स्विमिंग पूल के लिए और मस्त इवू ने लगा रखे हैं शेड्स और हैट। तो गाइस, इवू को मैंने पूल के लिए रेडी तो कर दिया है बट वो क्रैंकी भी हो रहा है क्योंकि थोड़ा स्लीपी है। लेट्स सी, वो एंजॉय करता है कि रोता है, देख तो रहा है वो। और ये इवान की एक पिक्चर क्लिक हो गई है। तो ये इवू को फाइनली डैडी ले आए हैं स्विमिंग पूल में और ये है डैडी और इवान और इवू को अभी डैडी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो एंजॉय करता है बट वो स्लीपी है तो थोड़ा मूड में नहीं है, वो देख भी रहा है लोगों को, देख तो रहा है बट देखिए क्रैंकी भी हो रहा है, स्लीपी है तो सोने के लिए भी कर रहा है। इवू, पानी में और अभी देखिए वो क्रैंकी होने लग गया क्योंकि सोना है उसे, बिल्कुल मूड में नहीं है। तो डैडा साइड पे ले आए हैं अपने साथ, अभी थोड़ा सा उसको उसका मूड चेंज कर रहे हैं कि वो थोड़ा हैप्पी हो जाए और चेंज। गाइस, आज हमारा डे टू है और आज हम लोग स्विमिंग करने आए थे जिसमें हम इवान को लेके गए थे पूल में और अभी वो थोड़ा स्लीपी हो गया है, उसने थोड़ा तो एंजॉय किया बट अब उसे सोना है तो अब हम लोग उसे वापस लेके जा रहे हैं। तो गाइज, हम इवू को ले आए हैं शार के पास और अभी इवू यहाँ पे इवू को शार देंगे और ये इवू लीव्स के साथ खेल रहा है क्योंकि वो स्लीपी था तो उसने इतना एंजॉय नहीं किया बट स्टिल फर्स्ट टाइम था उसका स्विमिंग पूल में और वो है विशाली। तो गाइज, ये है यहाँ का स्विमिंग पूल और वो है प्रिया, भाभी दूर से ही हाई कह रही हैं। और ये देखिए यहाँ का काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है और ये मैं क्लोज से आपको दिखा रही हूँ। और मैं इवू का बॉडी लोशन लेके नहीं आई तो रूम पे ही है तो मैं यहाँ पे प्रिया भाभी से ले रही हूँ क्योंकि उसको शार दिया था। तो गाइस, अब हम लोग आ गए अपने रूम पे और इवान को नींद आ गई थी तो हमने उसको अब बेड पे सुला दिया है। तो गाइस देखिए, इवू को कितनी ज़्यादा नींद आ रही थी और आते ही बेड पे सो गया। एक तो हम उसे पूल पे भी लेके गए थे फर्स्ट टाइम तो थोड़ा उसने स्विमिंग की और फर्स्ट टाइम था उसका तो पानी में और अब वो बहुत ज़्यादा थक गया तो अच्छे से सो। तो गाइज, मैं हूँ अभी वॉशरूम में और आपको दिखाती हूँ, यहाँ से मैं इवान को भी देख सकती हूँ इवू क्या कर रहा है। तो गाइज़, वो देखिए इवान और मैं हूँ वॉशरूम में और यहाँ से आपको दिखा रही हूँ इवान को, तो इवू को भी मैं देख सकती हूँ और वो अपने में अभी बिज़ी है, अभी देखेगा मुझे, थोड़ी देर में उसे याद आ जाएगी मम्मा की। तो ये हो गई उसकी स्टार्ट रोना ढूंढना मुझे। तो गाइज, इवू के पास आ गई है मम्मा अब और इवू खेल रहा है अपने लंच से क्योंकि उसे मिल गया अपना लंच वाला बॉक्स जो पैक्ड है, तो इवू ने उसे खोल भी दिया है क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था, वो इसी में बिजी था जब मैं वॉशरूम में थी तो जब उसे नहीं हुआ लास्ट में उसे नहीं मिला तो वो रोने लगा। एंड गाइज, मैं आपको दिखाऊंगी कि इवू के लिए आज लंच में क्या आया है और जो बेस्ट पार्ट है यहाँ का कि हमें अलग से पे नहीं करना पड़ रहा है बेबी फूड के लिए लाइक अदर होटल्स। जब हम रेडिसन में थे तो वहाँ पे हमें अलग से पे किया था इवान के लिए फूड के लिए, तो अभी इवू के लिए आया है इडली और उपमा एंड साबुदाना की खिचड़ी और साथ में है इवू का फेवरेट एपिगामिया का योगर्ट जो कि उसने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया और वो उसके लिए बावला हो गया खाने के लिए, उसे बहुत टेस्टी लगा, बहुत ही यमी। तो आज इवू के लिए वही आया है, ये सारा कुछ तो नहीं खाएगा तो लेट्स सी इवान को आज लंच में क्या अच्छा लगता है। इवू मुझे शेयर कर रहा है क्योंकि सोने के उठने के बाद मैं स्टार्ट कर दी ब्लॉग। अभी हम लोग आ गए नीचे और मैं लाई हूँ अपने साथ और गाइज, इवू ने फर्स्ट टाइम ऐसे फाउंटेन देखा तो बस उसे फाउंटेन से नज़र ही नहीं हटानी है, वो इतना दीवाना हो गया फाउंटेन को ही देखा है और फाउंटेन की आवाज़ से आई थिंक वो सो भी जाएगा क्योंकि मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो स्लीपी हो गया है
आंखें उसकी बंद होने लग गई हैं। फाउंटेन की आवाज़ सुनते सुनते तो गाइस जीवू तो सो गया है, तो मैं उसे प्रैम में ही लेके जा रही हूँ क्योंकि उसके फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स भी पूल के पास में ही, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और आपको दिखाती भी हूँ यहाँ का पूरा रिजॉर्ट। तो गाइस पूरा तो नहीं क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो जितना मैं कैप्चर करूँगी। और यहाँ से हम जा रहे हैं पूल साइड पे। तो गाइस ये देखिए इवान को कितनी मस्त नींद आई है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे उसकी स्लीप कंप्लीट नहीं हुई थी, नैप उसकी। तो मैं वॉशरूम चले गई थी, उसने ढूंढा होगा मुझे तो मैं मिली नहीं, तो वो अभी सो गया फाउंटेन की आवाज़ सुनते सुनते। और मैं उसे ले आई हूँ अब पूल साइड पे। एंड गाइस आप लोग भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल और कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। और मैं अभी खुद ही साइकिल से, मैं सोच रही थी कि पूरा एक राउंड लगाऊंगी और पूरा घूमूंगी, बट मुझे वो टाइम ही नहीं हो पा रहा है इवू के साथ, और डैडी भी बिजी हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे इवान को ही घुमाने घुमाते घुमाते ही मैं आपको भी दिखा रही हूँ और ख़ुद भी देख रही हूँ। तो गाइस यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं पूल साइड पे, और यहीं पे हमारे फ्रेंड्स भी हैं। शाली वंश की मम्मा, और अभी वंशु भी सोया है प्रैम में और इवान भी सोया है। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लिया था, ये प्लान था कि अगर दोनों बच्चे सो रहे होंगे इवू और वंशु, तो हम लोग उस टाइम पर साइकिलिंग कर लेंगे। और अभी दोनों लोग सो रहे हैं, लेट्स सी कितनी देर तक सोते हैं, बट स्टिल अभी दोनों मस्त होकर सोए। और ये देखिए इवान कितने मज़े से सोया और वंशु भी, क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो इनका शेड्यूल पूरा चेंज हो गया है यहाँ पे। और हम लोग सोचें कि अब हम लोग साइकिलिंग के लिए निकल लेते हैं, और अगर ये रोएंगे तो हम लोग आ जाएंगे। इफ़ रोएंगे तो प्रिया भाभी बुला लेंगी, क्योंकि यहाँ पे उनका फ़ोटोशूट चल रहा है और ये इतनी तेज़ रोते हैं कि इनकी आवाज़ आ जाएगी। मैंने हमें कॉल कर लेंगे, और वो देखिए प्रिया भाभी का चल रहा है फ़ोटोशूट। हम लोगों ने ले लिया स्ट्रोलर और अब अपने अपने बच्चों के साथ अब हम लोग निकल रहे हैं इनको घुमाने के लिए। और ये तो जानते हैं आप लोग, प्रिया भाभी वैशाली एंड निधि पांडे। तो गाइस ज़्यादा देर तो हम लोगों ने साइकिलिंग करी नहीं, क्योंकि ये लोग उड़ गए थे और दोनों ही उड़ गए थे। तो हमें अब इन्हें ले जाना है, और अब हम लेके जा रहे हैं इन्हें बीच साइड पे, और वहाँ पे हम लोग थोड़ा एंजॉय कर लेंगे अपना अभी और सनसेट व्यू। और ये आए हैं हम इवान को साइड पे भी, और ये है यहाँ की लॉबस्टर विलेज जहाँ पे मिलता है सारा सी फूड, आप लोग बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और अब हम लेके जा रहे हैं इन्हें बीच पे, है प्राइवेट बीच। और गाइस ये वो क्रैंकी हो रहा बिकॉज उसने सोने के बाद मम्मा की फीडी चाहिए तो आज नहीं मिली, तो नाउ ही वांट्स टू कम टू माय गोदी। और मम्मा और इवान आ गए हैं बीच पे। गाइस बीच पे आते ही एंजॉय करने लग गया है इवू, और एक्टिव हो गया है और सैंड को देख रहे हैं कैसे, और वहाँ पे उसने रिद्दू को देख लिया, तो वैसे ही इवू को भी बैठना है। वैशाली अभी यहाँ पे है नहीं, और प्रिया भाभी ने पकड़ा है बिद्दू को, और यह है इवू। Ibu say hi to everyone. तो अब आ गई है वैशाली भी। Hi. Hello, Anshu.
Manshu and Vishali, Manshu ki mama. Hey Priya bhabhi, look here. Priya bhabhi ne to full enjoy kiya because unki daughter thodi badi hai to wo usse busy rakh rahi hai khelne mein. Ridhu. हम दोनों हर बार लेट हैं गाइस क्योंकि इन दोनों बच्चों ने हमें बहुत परेशान कर दिया गोवा में, तो वो मज़े नहीं है। बाकी जो हमारे पार्टनर्स थे दो, वो आगे देखिए बीच पे एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग इनको दोनों को गोदी में लेके अपना हम चल रहे हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं से वापस रूम पे और इवन बैठ के स्ट्रोलर में। हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं बीच पे क्योंकि ईवू की टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ता है, तो उसका 8 to 9 के बिटवीन सोने का टाइम हो जाता है, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना था बिकॉज उसे डिनर भी करवाना है, चेंज भी करवाना है, तो थोड़ा टाइम लगता है और वो खाने में नखरे दिखाता है, तो इसीलिए मैं उसे लेके जा रही हूँ। और ये उसका थोड़ा घूमी घूमी भी हो गया क्योंकि इवनिंग में उसे घूमना अच्छा लगता है थोड़ी देर। और ये आ गई बग्गी, यहाँ पे बग्गी राइड्स भी कर सकते हैं, आप लोग आके बग्गी से भी जा सकते हैं, बट मैं ईवू को स्ट्रोलर में ही लेके जा रही हूँ क्योंकि इससे मेरी भी वॉक हो रही है थोड़ी और ईवू को भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर ही रुकता है, जब क्रैंकी होता है तो उसे मेरी गोदी चाहिए। और देखिए लोग भी वॉक कर रहे हैं यहाँ पर, और देखिए कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, तो रूम से आने में ही काफ़ी टाइम लगता है, बट अच्छी खासी वॉक भी हो जा रही है हमारी। तो गैस मैं ईवू का टीदर रखना भूल गई थी, तो उसके हाथ में अभी ब्रश है जिसके साथ वो बिज़ी है अभी, थोड़ा मैं उससे ले लूँगी तो वो रोने लग जाएगा।